हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रजनी पैनोली। इजी किचन रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पाव बन बनाने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो फ्रेंड्स देर नहीं करते, चलते हैं किचन में, बनाते हैं पाव बन। जानते हैं पाव बन बनाने के इंग्रेडिएंट्स। मैदा हमने 2 कप लिया है, ऑयल हमने 2 चम्मच लिया है, और चीनी हमने भी 1 चम्मच ली है, और यीस्ट 1 चम्मच लिया है, और नमक 1/2 चम्मच, और दूध हमने 1/2 कप लिया है। हमने थोड़ा दूध ले लिया है, ध्यान रखें दूध थोड़ा गर्म ही हो, गुनगुना। हमने इसमें यीस्ट डाल दिया है, इसके साथ ही थोड़ा नमक और चीनी डाल दी है। इसे अच्छी तरह से हम घुमा देंगे और इसे 10 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे ढककर, जब तक ये फूल ना जाए। देखिए 10 मिनट हो गया है, इसमें कितना खमीर आ गया है, ये काफ़ी फूल गया है। हमारा यीस्ट बनकर तैयार है, तब तक हम मैदा गूंद लेंगे। इसमें हम फूला हुआ यीस्ट डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मसल देंगे। इस तरह से, ध्यान रखें इसे हमें अच्छी तरह से मसलना है, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालकर इसे गूंद लेंगे, एक सॉफ्ट रोल बना देंगे। ध्यान रखें दूध थोड़ा गुनगुना ही हो, ठंडा दूध ना डालें। इस तरह से गूंद लेंगे, देखिए इस तरह से गूंदना है, वैसे ही जैसे हम चपाती के लिए गूंदते हैं। इसे हम 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। 2 घंटा हो गया है, देखते हैं हमारा ढोल तैयार हुआ है नहीं। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, काफ़ी फूल गया है ये, देखिए कितना खमीर हो गया है। इसमें हम थोड़ा हाथ में ऑयल लगा देंगे, इसे चिकना करकर फिर दोबारा गूंद लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मसलना है, ध्यान रखें इसे हमें काफ़ी गूंदना है हथेली की सहायता से। इस तरह से, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है गूंदने में, बस मसलते हुए हमारा ढोल तैयार है। हम इनकी अब पेड़ियाँ बना लेंगे। हमें इसमें कितने बनाने हैं पाव बन, इसकी कटिंग कर लेते हैं हम, देखते हैं हमारे इसमें कितने पीस निकलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए इसमें हमारे 6 बने हैं। इसे राउंड करके हम गोल कर देंगे। इस तरह से हमें सभी कर देना है। आप चाहे तो इसे 10 मिनट तक फूलने के लिए रख सकते हैं, 10 मिनट तक नहीं रखेंगे, डायरेक्ट इसे हम बना देंगे। देखिए हमारा बन गया है। हमने एक टीन लेनी है, इसमें हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। आप चाहे तो ऑयल से या फिर बटर से भी कर सकते हैं, या फिर घी से। ग्रीस हो गया अच्छी तरह से, इसमें हम अपने पाव बन रख देंगे। जितने आपके टीन में है ज़्यादा नहीं रखना एक साथ, नहीं तो चिपक जाएंगे, जॉइंट हो जाते हैं पकने से। देखिए हमने इसमें थोड़ा दूध से भी ग्रीस कर दिया ऊपर से, इससे थोड़ा अच्छी शाइनिंग आती है, और हमारे पाव बन ऊपर से जलते भी नहीं। देखिए हमने गैस पर पहले ही प्रेशर कुकर में नमक डाल रखा है, काफ़ी गर्म हो गया है। इसमें हमने स्टैंड भी डाल दिया है, हम इसमें रख देंगे अपना टीन इस तरह से। इसे हम 20 से 25 मिनट तक ढक देंगे, इसका ढक्कन लगा देंगे, चेक कर लेते हैं। 20 से 25 मिनट हो गया है, देखिए हमारा पाव बन बनकर रेडी है। इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। देखिए इसी तरह हमें बाकी भी बनाना है। हमारा पाव बन बनकर रेडी हो गया है। इसे आप चटनी सॉस के साथ भी खा सकते हैं, या फिर पाव भाजी की तरह भी इसे खा सकते हैं।
आप अपने पसंद अनुसार किसी भी चीज़ में खा सकते हैं। ये रेसिपी बहुत इजी रेसिपी, से आप ज़रूर ट्राई कीजिए अपने किचन में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो कभी भी मिस नहीं करना चाहते तो अपना नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने व्यूज़ में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलेंगे आपको हम एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ।